देश में कोरोना के मामले 14,35,000 से ज्यादा हो गए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 49,931 मरीज सामने आए। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 5,15,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। राजस्थान के गवर्नर ने सीएम गहलोत का विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव ठुकराया। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। बीएसपी ने राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हो चुके 6 विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा। राजस्थान में 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में बीएसपी हाईकोर्ट जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का कार्यक्रम टाला। राजस्थान में पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी ने सीएम गहलोत पर धनबल के जरिए विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। राजस्थान के सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने गवर्नर को भेजे प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं किया। बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत सरकार की कोरोना के नाम पर सत्र बुलाने की दलील को गलत बताया। बीजेपी ने गहलोत सरकार से पूछा कि वो बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की बात क्यों नहीं कर रही। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, अशोक गहलोत कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। सुशांत केस में मुंबई पुलिस आज महेश भट्ट का बयान लेगी। करण जौहर के मैनेजर को भी पुलिस ने बुलाया। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे ICMR की 3 लैब का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज CRPF के 82वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश रहने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने सैनिटाइज करने वाला ड्रोन बनाया। लद्दाख में वायुसेना संदेश भेजने के लिए राफाल बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल करेगी। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने T-90 टैंक की तैनाती की। इसराइल का प्रतिनिधिमंडल भारत आकर कोरोना की तुरंत जांच करने की सुविधा देने पर काम करेगा। आंध्र प्रदेश के किसान की बेटी का खेत जोतने वाला वीडियो वायरल होने के बाद एक्टर सोनू सूद ने एक ट्रैक्टर देकर किसान के परिवार की मदद की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसान की मदद करने पर सोनू सूद से फोन पर बात की और उनके इस काम की सराहना की। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने एक सुरंग से हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने CRPF जवानों पर फायरिंग कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में शाम 5 बजे हाईटाइड की चेतावनी जारी की गई। मुंबई में हुई बारिश की वजह से हिंदमाता इलाके में पानी भर गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चट्टान गिरने के बाद एक सड़क 8 दिन से बंद पड़ी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश में 2 लोग लापता हो गए। महाराष्ट्र में महिला बाल विकास गृह के 30 बच्चों को कोरोना हुआ। अंडमान निकोबार में कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए। सावन के चौथे सोमवार को महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। वाराणसी में सावन के चौथे सोमवार को भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बाग में लड़की की लाश मिली। हरियाणा के रोहतक में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के 10 थानों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। यूपी के महोबा में बारिश का पानी सरकारी अस्पताल में भर गया। सीएम योगी ने गोरखपुर और संत कबीर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। सीएम योगी ने यूपी के बलिया में सरकारी अस्पताल का दौरा किया। राजस्थान के जोधपुर में एक पानी की पाइपलाइन फटने के बाद पानी सड़क पर बहने लगा। महाराष्ट्र के इगतपुरी में रेलवे की हेल्थ यूनिट की मदद से एक महिला ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई और रियाद से प्रवासी भारतीयों को लेकर 2 विशेष विमान जयपुर पहुंचे। दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। 1 अगस्त से अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार चल रहा है। अफगानिस्तान से अगवा किए गए सिख समुदाय के नेता निदान सिंह भारत लौटते ही दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। निदान सिंह ने उन्हें अगवा करने वाले आतंकवादियों पर धर्म परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सरिता विहार में चोरों ने एक दुकान से 80 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी कर लिए। कोरोना की वजह से यूपी के गोरखपुर में रक्षाबंधन के लिए घर पर ही राखी बनाई गई। राजस्थान के कोटा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने 2 दिनों में 2,000 से ज्यादा लोगों का चालान काटा। राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों को 40,000 रुपए कीमत का इंजेक्शन मुफ्त में देने का ऐलान किया। बिहार में कोरोना मरीजों की मदद के लिए केंद्र सरकार 1,000 बेड वाला अस्पताल बनाएगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक गांव में तेंदुआ घुस जाने से लोग दहशत में आ गए।
यूपी के कासगंज में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ का हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। रांची के अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद यादव की देखभाल करने वाले अस्पताल के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मास्क नहीं पहनने पर चालान कटने से खफा होकर कोतवाली के बिजली काटने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। यूपी के कैराना से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी और उनकी पत्नी बच्चे समेत 6 लोग पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में एनडीआरएफ की नाव में एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हरियाणा के फरीदाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के लगाए गए 40 किलो के बम को नाकाम कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में कोरोना मरीज को लेने गई प्रशासन की टीम से परिवार वाले भिड़ गए। कोरोना केस बढ़ने पर वाराणसी प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की पत्नी और दोनों बच्चों की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। खबर है कि 10 दिन में 500 से ज्यादा लोग सीएम शिवराज सिंह के संपर्क में आए। शिवराज सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। बाढ़ से बेहाल बिहार के 10 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में 200 किलो भांग बरामद की गई। पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा देने की इजाजत दे दी। ओडिशा के केंद्रापड़ा में मगरमच्छ के हमले में 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। कर्नाटक के वन मंत्री आनंद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वायरस की वजह से सिक्किम के सभी स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिक्किम में लॉकडाउन 1 अगस्त तक बढ़ाया गया। खबर है कि अभी फ्री प्लेन टिकट और बीमा देने पर भी मजदूर मुंबई लौटने को तैयार नहीं। हिमाचल सरकार ने सीमा के लिए नियमों में बदलाव करते हुए छात्रों को आने जाने में राहत दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 251 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए। केरल के कोशिकोड में बड़े ऑडिटोरियम को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। बेंगलुरु में लापता हुए 3338 कोरोना मरीजों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर मुकुल रॉय की छवि खराब करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नौसेना ने 10 मछुआरों का रेस्क्यू किया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक स्पोर्ट्स बाइक दी गई। पहले चरण में अभी 10 बाइक ही मिली। कोरोना की वजह से ब्रिटेन ने स्पेन को सुरक्षित देशों की लिस्ट से हटाया। शिकागो में कोरोना की वजह से बंद पड़ा स्टेडियम बेसबॉल मैच के साथ खुल गया। किम जोंग उन ने कोरियाई युद्ध के खत्म होने की 67वीं वर्षगांठ मनाई। सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने की चेतावनी जारी की गई। भारी बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच संगठनों और सिंधी संगठनों के हाथ मिलाने के बाद चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खतरा बढ़ने की संभावना है। हद से पहले सऊदी अरब की मक्का मस्जिद में कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई कर्मचारियों ने केमिकल का छिड़काव किया। मालदीव को कोरोना वायरस की वजह से हुए आर्थिक नुकसान से उबारने के लिए भारत सरकार जल्द ही वित्तीय राहत पैकेज देगी। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के समय हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में तट से हन्ना तूफान टकराया। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 20 नए प्रयोग करेगा जिससे ट्रेन अलर्ट से लेकर पानी तक की सेवा मिलेगी। रेलवे ने चीन को झटका देते हुए घरेलू उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने पर समीक्षा की। महिला T20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC जल्द फैसला करेगी। बड़े भाई को कोरोना होने पर सौरभ गांगुली ने टेस्ट करवाया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में इलाज करवा रहे अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के घर से कंटेनमेंट जोन के पोस्टर हटाए। कलर्स टीवी के कार्यक्रम खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 का खिताब एक्टर करिश्मा तन्ना ने जीत लिया। मुंबई में बिजली का भारी भरकम बिल आने के बाद एक्टर दिव्या दत्ता ने एक ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की। निर्देशक शेखर कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाने वाले फिल्म अवार्ड पर सवाल खड़े किए।